हां तो क्या गैस गोली दई बैठा वे काय गैस कर को गैस गिरे परो फैजल ने ऐसी ना नाम धरो फैजल और तो देखा कहता है बता चाना गैंगस्टर तेरी टांग है छल्ली करूंगा 40 गोली मारनी है 39 और रह गई है भाई सरेआम अपने अध्यापक नू गोली मार के लाइव होए इना विद्यार्थियों दे चेहरे असी थानू नहीं विखा सकते लेकिन इना दी करतूत ते कारनामा सुन के तुहाडे वी रोंगटे खड़े हो जाणगे उत्तर प्रदेश दे आगरा तो एक खौफनाक मामला सामने आया जिथे दो विद्यार्थियों ने अपने अध्यापक नू गोली मार दिती एना ही नहीं अपनी दहशत फैलाउण दे लई उक्त दोवें ही विद्यार्थी सोशल मीडिया ते लाइव होए ते वीडियो दे विच धमकी दिती कि अजे तक सिर्फ एक गोली चली है 39 बाकी ने जानकारी मुताबक दोवें ही विद्यार्थी सुमित नाम दे अध्यापक दे कोलों कोचिंग लैंदे ने कोचिंग सेंटर दे विच अध्यापक दे वड्डे भरा दे नाल दोवां विद्यार्थियों की किसी गल तो बहसबाजी हो गई जिस तों बाद गुस्से दे विच इन्हां दे वल्लों अध्यापक दे गोली चला दित्ती गई दोवें ही विद्यार्थी नाबालिग ने लेकिन हिम्मत इन्नी कि अध्यापक दे गोली मार के फरार हो गए ते सीधा सोशल मीडिया ते लाइव होके धमकी देन लगे वीडियो विचो साफ कहंदे नजर आए कि ओ मुड़ हमला करनगे दोवें नौजवान गैंगस्टर लोरेंस बिश्नोई तो प्रभावित दस्से जा रहे ने दस्या जा रहा है कि जख्मी अध्यापक सुमित नू हस्पताल भर्ती करवाया गया उथे सूचना मिलन तो बाद पुलिस ने दोवें ही मुलजम विद्यार्थियों नू गिरफ्तार कर लिया पुलिस हिरासत दे विच विद्यार्थी अपनी सफाई देंदे नजर आए मेरा नाम उत्तम है और मेरे दोस्त का नाम तरुण है और हम दोनों का विवाद चल रहा था टीचर से तो फिर हम कोचिंग गए हमने टीचर को बुलाया और मेरे तरुण दोस्त ने उसको गोली मार दी फिर हम उसके बाद भाग गए फिर हमने लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो देखते थे हम उससे प्रभावित होकर और हमने फिर मैंने सुच्चा का रोल निभाया और मेरे दोस्त ने फैजल का रोल निभाया और हमने दहशत फैलाने के लिए एक वीडियो अपलोड कर दी और फिर हम उसके बाद खनौली आ रहे थे और हमें खनौली की पुलिस ने पकड़ लिया है और हम आपसे माफ़ी मांगते हैं हमें माफ़ कर दो और हमें जल्दी से जल्दी रिहाई करा दो सर प्रॉपर में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम वालों को पीएस खनौली में दो छात्र तरुण और उत्तम इन लोगों ने टीचर सुमित को गोली मारी और उसके बाएं पैर में गोली लगी थी इस क्रम में टीमें लगाई गई और एसओजी सर्विलांस थाना स्तरीय सत्तर सत्तर की टीम लगाई गई अभी इसमें तरुण और उत्तम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो तमंचा यूज़ किया गया था उसको बरामद कर लिया गया सर मुख्य बात क्या निकल के आ रही है गोलीकांड की गोलीकांड क्यों किया ऐसी क्या घटना घटित हुई इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो तरुण है उनकी किसी लड़की से बात होती थी और टीचर ने वो बात घर पर बता दी इसी बात से वो नाराज थी उन्हें घटना घटी इन्होंने को जेल भी बनाई है हाँ इन्होंने घटना घटित करने के बाद एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो वायरल भी हुआ तो इसलिए सुशांत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गिरफ्तार करके जेल में जा रहा है और विधिक कार्रवाई भी की सर बताया जा रहा है कोई नाबालिग भी है इसमें हाँ इसमें तरुण जो है वो नाबालिग ठीक है और उत्तम फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है तो दोवें ही नाबालिग विद्यार्थियों के खिलाफ बनती कार्रवाई की जा रही है ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी सांझा हाँ सच्चा कैसे गोली दई बैठा वे कैस करी को कैस गिरे परो फैजल कह देते हैं मोते फैजल ने ऐसी ना नाम धरो फैजल और तू तो क्या कहता है बता चाना गैंगस्टर सुने चले ना रुक 6 महीने बाद फिर आवा भाई ते मान तेरी टांग है छल्ली करूंगा 40 गोली मारनी है 39 और रह गई है भाई